इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां दो लोगों की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई है। अरबिंदो अस्पताल क्षेत्र के करोल बाग के पास हुई घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बाणगंगा पुलिस के मुताबिक करोल बाग के समीप कालिंदी गोल्ड कॉलोनी की सड़क के पास एक लाश मिली, जिसकी पहचान अर्पित नामक युवक के रूप में हुई। उसे चाकू लगे हुए थे। वहीं पुलिस ने जब मौका मुआयना किया तो कुछ ही दूरी पर एक और खून से सनी लाश पड़ी हुई थी, जिसकी पहचान गौरव मिश्रा के रूप में हुई है। सूत्रों की माने तो दोनों मृतकों पर आधा दर्जन अपराध दर्ज थे। बताया जा रहा है कि गौरव और अर्पित कुछ दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे, तभी कोई विवाद हुआ और इन दोनों पर हमला हुआ। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। थाना बाणगंगा क्षेत्र में भी कुछ समय पहले सूचना प्राप्त हुई थी, ये कालिंदी गोल्ड वाला जो रोड है, इस पर एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है। तो इस पर से थाना पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, तो एक व्यक्ति जो अर्पित खटे नाम के रूप में उसकी पहचान हुई है, उसको चाकू लगे हुए थे और वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। जब घटनास्थल के आसपास और देखा गया, सर्चिंग की गई, तो एक एक्टिवा गाड़ी मिली। उस एक्टिवा गाड़ी के आसपास और देखा गया तो एक बॉडी और मिली है, जो भी उसको भी चाकू मारे गए, जिसकी पहचान गौरव मिश्रा नाम से हुई है। इस प्रकार से कुल दो डेड बॉडी अभी मिली हुई है यहाँ पर, उनको चाकुओं से वार करके मारा गया है। चूँकि ये रात का घटना स्थल है, तो आसपास अभी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना किस प्रकार से हुई है और अभी घटना में कौन लोग शामिल थे, इस संबंध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। और ये घटना किन लोगों के द्वारा की गई, क्या लग रहा है, पार्टी वार्टी करने आए थे, कुछ आपसी विवाद हुआ हो, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है या फिर कोई पुरानी रंजिश है? अभी तक घटनास्थल पर जैसा देखा गया, इसके आधार पर ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ और अन्य लोग भी रहे होंगे और तात्कालिक रूप से किसी चीज़ को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसके कारण से घटना घटित हुई है। और इस संबंध में ये पता लगाया जा रहा है कि इनके साथ और कौन लोग हैं। सर, मरने वाले बता रहे हैं इनके भी आपराधिक रिकॉर्ड है, क्या कोई रंजिश मान सकते हैं किसी गुटों के बीच में आपस में? बिल्कुल, अभी जिसमें एक मृतक की अर्पित खटे, इसके बारे में मालूम चला है, कुछ इसके आपराधिक रिकॉर्ड थाना हीरानगर में है, इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठी की गई है। निसंदेह इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी जो कि पुरानी रंजिश रही होगी इनकी आपस में। सर, इसमें एक पुलिसकर्मी का बेटा भी बताया जा रहा, ये गौरव मिश्रा है, इसको अभी तक वह ज्ञात हुआ है ये पुलिसकर्मी हैं, उनके बेटे हैं, SAF में पदस्थ हैं भोपाल में, इसके बारे में भी जानकारी। सर, इनके गले रेते गए हैं, जो भी इनके हत्या हुई है उसमें चाकू से वार किया गया है, पेट में, हाथ में और गले में इनके अभी निशान हैं चाकू से मारने के। हथियार वगैरह यहाँ पे मिला होगा, फुटेज कोई मिला होगा? अभी घटनास्थल पर ऐसा कोई हथियार नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।